क्या हो रहा है यार, कोई ऐड क्यों नहीं हो पा रहा है? जैकी मिस्त्री बताओ भाई, ये दो कौड़ी का मिस्त्री है और नाम देखो इसने अपना रखा है जैकी। साले शर्म कर ले थोड़ी, जगदीश मिस्त्री से तू जैकी मिस्त्री बन गया। आ ऊपर तुझे सारे मिस्त्री काम का कॉन्ट्रैक्ट देता हूं मैं। अरे पता नहीं यार ये क्या हो रहा है बहन चोट, कोई हेड नहीं हो रहा है बहन का लोड़ा। का लोड़ा क्या चल, अनेबल टू ज्वाइन ये। अरे पता नहीं ये बहन चोदो। चलो ये लास्ट बंदे को ऐड करता हूँ, देखता हूँ बहन चोदो। एक काम करो, कमेंट से ऐड करने की कोशिश करता हूँ। कमेंट में लिखो ऐड करी। कमेंट में लिखो ऐड करी। ऑफिशियल ऑफिशियल भावेश, भोसरी वाले ने ऑफिशियल का स्पेलिंग भी गलत लिखा है। बताओ ऑफिशियल का स्पेलिंग भी गलत लिखा और ये बड़वा ऑफिशियल हो गया। हाँ ऊपर ऑफिशियल भावेश। हेलो हेलो, एक ऐड हुआ वो भी भेंड़ का लोड़ा बक गया मादर चौध। बेकरार करके हमको यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बहनचोद को ये बहन, एक मिनट अब रिक्वेस्ट से ऐड करता हूँ। ये है चिराग सोलंकी, चिराग सोलंकी आ जाओ भाई। ये तो ऐड हो गया। और भाई कहाँ से हो? अच्छा, और क्या करते हो अहमदाबाद में भैया? भैया मैं रिक्शा चलाता हूँ। क्या रिक्शा चलाता हूँ? अच्छा अच्छा वो ऑटो रिक्शा चलाते हो? हाँ ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा। और ये मतलब प्रोफाइल में तुमने अपनी बीबी की पिक्चर लगा रखी है क्या? सब साथ में ही रहते हैं, हम साथ में ही है।
अरे मतलब तुमने अपनी वाइफ की पिक्चर लगा रखी है ये अपनी डीपी में? वो मेरी वाइफ है, देखो ये रही, दिखाओ। अरे भाभी जी हाथ ले लो तो तुम्हारा फेस दिखेगा ना, हाथ लोगी तो फेस दिखेगा। नहीं नहीं, नहीं। बहुत ही खूबसूरत है तुम्हारी बीबी, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जिस कलर की तुम्हारी घर की दीवारें है, भाभी जी ने उसी कलर की नाइटी पहनी है। भाभी जी ने मैचिंग किया हुआ है वॉल के साथ। तो भैया कितना कमा लेते हो तुम दिन का? मैं भैया गाड़ी चलाता हूँ, तुमको सही सब सही सही बताऊंगा। हाँ बताओ। अहमदाबाद की गुजराती गुजराती पब्लिक को हवाबाजी करते नहीं आती है। भाभी जी को पहले बोलो वो टीवी का वॉल्यूम कम कर दे। कर दिया। हाँ अब बताओ तुम्हारी दास्तान के बारे में, कितना कमाते हो रोज का? मैं किन्नर की गाड़ी चलाता हूँ। हिजड़े की गाड़ी चलाते हो? तो पीछे हिजड़े बैठते हैं गाड़ी के अंदर। मतलब ये तो नया सुना है यार, ये तो मैंने कभी सुना नहीं था। उनकी रिक्शा मैं चलाता हूँ। मतलब तुम्हारी रिक्शा जो है, तुम्हारी ऑटो रिक्शा है, उसका जो ओनर है वो हिजड़ा है? नहीं, ओनर मैं हूँ। हाँ तो फिर वो लोग को मैं फेरे फिरवाता हूँ उनकी बस्ती के अंदर। अच्छा मतलब सुबह में तुम वो हिजड़ों के घर पे चले गए, फिर उन्होंने तुम्हें बोला कि भैया यहाँ चलो यहाँ चलो। हाँ। अच्छा अच्छा तो एक तुम्हारी मतलब एक ऑटो रिक्शा में कितने हिजड़े बैठते हैं? चार हिजड़े? अरे यार पीछे तो तीन लोग ही बैठ सकते हैं, एक हिजड़े को अपनी गोद में बिठाते हो क्या? तीन जनी बैठते हैं। अच्छा अच्छा मतलब तीन हिजड़े ही बैठते हैं हर रोज? हाँ। अच्छा 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 तो मतलब ये कितने साल से तुम ये हिजड़ों के साथ ये मतलब उन लोगों को तुम ये राइड दे रहे हो? 15 साल से। मतलब 15 साल से तुम तीन हिजड़ों को ही तुमने पकड़ के रखा है? लगता है हिजड़े का फोन आ गया इमरजेंसी में कि भैया चलो कहीं पे ताल ठोकने के लिए जाना है। इमरजेंसी में हिजड़े का कॉल आ गया लगता है इसको कि निकालो अपनी ऑटो, ताल ठोकने के लिए ताबड़तोड़ निकलना पड़ेगा। अच्छा बंदा था बेचारा, सीधा बंदा था। चलो और किसी को ऐड करता हूं, लिखो नीचे। भाई देखो आज मेरा मूड सही नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं, बाद में मत बोलना। आज किसी ने भी कमेंट में गाली मुझे लिखी, एडवांस में बोल देता हूं आज मेरा मूड बहुत खराब है। आज किसी ने भी मुझे नीचे कमेंट में गाली लिखी उसको ब्लॉक करूंगा मैं। तो बाद में मत बोलना कि पनौड़ी भाई अनब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आज मेरा मूड सही नहीं है। ठीक है तो एडवांस में बोल देता हूं मैं, गाड़ली मत लिखना नीचे कोई भी। चलो ये हिजड़ी दीदी को फिर से ऐड करते हैं, आ जाओ। चलो छोटे ब्लॉक मादरचोद हर्ष ब्लॉक
हाँ तो मजा आएगा ब्लॉक ब्लॉक खेलने में। और लिखो गाली। हर्ष, इसको तो ब्लॉक कर दिया मैंने। अब लिख बैन के लंड गाली। मैंने पहले ही बोला कि आज मेरा मूड सही नहीं है, गाली मत दियो। अरे ये ऐड क्यों नहीं? लो बैन छोड़, ये रिक्वेस्ट बॉक्स भी बंद हो गया। चलो ये है इग्नाइट 30। आ जाओ भाई इग्नाइट 30। इग्नाइट 30 आ जाओ भाई। हेलो और भाई कहाँ हेलो, से है? मैं उदयपुर से। अच्छा, और क्या क्या करता है उदयपुर में? मेरा बिजनेस है ब्याज ब्याज का, अकाउंट्स का, ब्याज का मतलब? ब्याज पे पैसे देते हैं ना, जो पैसे देते हैं और ब्याज वसूलते हैं उसका। अच्छा, मतलब तू वो क्या बोलते हो उसको, तहसीलदार है तू? अरे नहीं, ब्याज पे पैसे देते और ब्याज लेते हैं ना, जैसे 1 महीने के लिए 10,000 रुपये दिए तो 200 रुपये ब्याज बनता है उसका, ऐसा वाला है, पैसे बांट रखे हैं। अच्छा। तो अभी हाँ तक तूने मार्केट में कितने पैसे दिए हुए हैं? मेरे नहीं है, मतलब भैया के हैं, मतलब यही कुछ मान के चलो 70-80 लाख रुपये बांट रखे हैं, तो वो उसका मतलब दोनों भाइयों का मिक्स में है। अच्छा। और हाँ मतलब कितना परसेंट तुम ब्याज लेते हो? जैसे कि मानो मुझे 1 लाख रुपये तुमसे चाहिए, तो तुम हाँ 1 लाख के सामने कितना मतलब तुम ब्याज लोगे महीने का? सब अलग अलग है, जैसे गोल्ड पे 1% है, फिर क्या बोलते हैं इसको, अगर अकाउंट्स पे है तो महीने का मंथली अगर तुम भरोगे तो उस पे 2% है, ऐसा है। अच्छा। मतलब कि मानो कि अगर मैंने तुम्हें बोला कि भैया मुझे 1 लाख रुपया दो, मेरे पास ना तो गोल्ड है ना तो मेरे पास कुछ है, तो हाँ तुम मुझे 1 लाख रुपये दोगे? नहीं, नॉन को ही देते हैं, अननोन को नहीं देते हैं, जैसे कोई आसपास है नॉन है जिससे आस पहचानते हैं तो उसको दे सकते हैं ऐसा। अच्छा। तो तुमने ऐसे किसी को पैसे दिए हुए हैं कि जिसने कोई गारंटी में कुछ तुम्हें दिया ना हो, या तो तुमने हाँ उस बंदे फंसे हुए को विश्वास पे बहुत सारे पैसे पैसे दिए फंसे हो? हुए हाँ फंसे हुए हैं ना, बहुत सारे ऐसे तो पैसे फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, 10-15 लाख रुपए अटके पड़े हैं। जिन लोगों ने चेक दे रखे उनका चेक भी लगा रखा है, केस भी चल रहे हैं, बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं अभी तो। अच्छा। तो हाँ मतलब ये तुम ये ब्याजखोरी तुम करते हो, तो ये मतलब पुलिस वाले लोग के वो लोग तुम्हें कुछ बोलते नहीं? अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दी तो तुम तो जेल में जा सकते हो। नहीं वो तो है ना, लाइसेंस वगैरह है ना ब्याज का, तो कोई दिक्कत नहीं, लाइसेंस पे है, उसका लाइसेंस अच्छा, मतलब मिलता है। ब्याज का भी लाइसेंस आता है इंडिया में? हाँ क्या बात कर रहे हो, नहीं, आता है, पूछ सकते हो आप इन लोगों को। झूठ बोल रहा है बनाली भाई, झूठ बोल रहा है ये। लाइसेंस अरे पूछ लो नीचे, पूछो किसी से भी पूछो, पता हो होता है? होता है ये, क्या लंड जाने इनको क्या पता है, ये तो बहन के लंड है, बोलते रहते हैं। हाँ, तू तो बहुत ही सच्चा इंसान है ना, इसीलिए तू तो फेक आईडी से आया। बातें तो तू यहाँ पे लाखों करोड़ की बोलेगा, मेरी औकात रियल तेरी आईडी कुछ नहीं तो, होगी। अरे अच्छा मैं मेरी रियल आईडी बता नहीं सकता हूँ यार अभी फिलहाल। मतलब कि तू कौन सा बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जो तेरी अरे रियल आईडी बना लेगा लड़ तो लूंगा ना लड़कियां तेरे यार। पीछे लग जाएगी? 2 कौड़ी का तू साले गरीब उदयपुर में रहने वाला, मतलब यहाँ पे आके बकचोदी, 80 लाख मेरे साले, 80 रुपये है तेरी जेब में रात का पौवा पीने के लिए? अरे 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 भाई तुम्हें, आपको क्या पता है यार बॉस, बट मैं आपका अरे फैन हूँ हमें तो यार सब आपके पता लिए। है कि यहाँ पे आके सब लोग झूठी बोलते, हवाबाजी करते हैं। अगर कुछ है तेरे दोरे तो दिखा। अरे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बहुत कुछ है दोरे तो।
अरे होगा तो दिखाएगा ना, दिखाने के रजनीगंधा लिए होना चाहिए, कुछ होगा तो दिखा पाएगा। खाता हूँ अब मैं। सच्ची सच्ची बता, क्या तेरी हाँ औकात क्या है? अरे मेरी औकात तो बहुत है बॉस, मेरी चल बॉडी। कुछ तो दिखा दे, मतलब कुछ तो ऐसा कुछ दिखा दे कि लोगों को नीचे भी, मतलब नीचे लोगों को यकीन हो जाए कि नहीं भाई तेरे दौरे मार्केट में 1.5 करोड़ रुपये घूम रहे हैं। मतलब एक तो रसूखदार बंदा है, मतलब ऐसी कोई चीज तो दिखा दे। अरे यार तो मैं क्या बताऊँ, वो अंदर पड़े सब चेक वेक वगैरह मेरे नाम के भरे हुए। अरे पैसे नहीं दिखना है भाई हम लोगों को, तेरा घर ही कैमरा फ्लिप करके दिखा दे, हम लोग समझ जाएंगे कि तू कितना वो बड़ा नहीं बता रसूखदार है। सकता हूँ। वो तेरे घर से ही तेरी औकात का हम लोग अंदाजा लगा लेंगे। अरे अभी तो फिलहाल तो मैं मेरे पुराने घर पे हूँ ना यार। देखो यही सारी हवाबाजी होती है, जब लोग पकड़े जाते हैं ना भैया अभी पुराने घर। देखो भाई एक करोड़ रूम का भी आसामी खराब, देखो ये। ये रूम अभी सही नहीं हो रखा है यार, हाँ, इसीलिए। देखो भी 1 करोड़ का आसामी है। हाँ तो क्या ये मेरा पर्सनल रूम है? ये तो पुराना घर है, मेरे नए घर पे नहीं हूँ ना अभी मैं। अब तू तो बोलेगा कि तेरा तो मेंशन बन रहा है इसीलिए तू अभी पुराने घर में मजबूरी की वजह से रुका हुआ है, अभी हाँ बड़े घर का काम चल रहा है तेरा, सारे बहाने बना ले। हम लोग सब समझ रहे हैं तेरी बातों को। अरे तुम तो यार कुछ भी बोलते हो। अरे लेकिन जो है वो सच बोल, अभी एक आया था उसने सच बोला कि भैया मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ हिजड़ों को लेकर, अच्छा उसने बेचारे मैं ने सच बताऊं सच क्या मेरा, बोला। तुझे मैं मेरा ये लगता है चेक कि तू बताऊं? यहाँ पे झूठी बातें बोलेगा फिर लड़कियां तुझे डीएम करेगी? मतलब तू ये मतलब तू तुझे नहीं ये लग नहीं रहा है? अरे नहीं, मैं तो चाहता ही नहीं, मैं ये ऐसी हरकतें नहीं चाहता हूँ। मैं तो मेरी आईडी फेक है, क्या करेगी डीएम करके भी? डीएम ना तो करके मेरा क्या करेगा? क्या फोटो तू मूठ मारेगा डीएम करके? लड़कियां है, तुझे मैं तो डीएम मूठ करेगी तब? पहले मारता ही नहीं हूँ, मैं तो तू फेक बोलेगा कि तुम करता बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी दिखती हो, लौड़ा लसन, हूँ। फिर तुम बोलोगे कि बेबी चलो आज इतना दिखा दो उतना दिखा दो, मजे लेगा तू फ्री फंड में। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो आपका फैन हूँ बहुत बड़ा यार, इसीलिए मैंने बात करने के लिए, ऐसा अच्छा लगता है आपको, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत बड़े वाला फैन है तू। हाँ मतलब बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ देखता हूँ मैं आपकी सारी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, अच्छा लगता है। लोगों की मस्त लेते हो, बोल के लेते हो यार। अच्छा और तेरा भाई भी तेरे साथ धंधे में ही है? हाँ और तेरे तेरे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा गवर्नमेंट प्रिंसिपल हैं। अच्छा प्रिंसिपल है वो? हाँ अच्छा, मतलब बाप गवर्नमेंट में, मतलब स्कूल में प्रिंसिपल है वो? हाँ स्कूल में। अच्छा, मतलब कि स्कूल में तेरा बाप प्रिंसिपल है, तो 70-80 लाख रुपया तेरा बाप कमाए कैसे? ये प्रिंसिपल लोगों की तो सैलरी कतई 35-40-50 हजार रुपये होती है, तो तेरे बाप ने एक 80 लाख कैसे कमा लिए एक भाई? लाख 20 हजार रुपये सैलरी मेरे पापा की, अरे 1,30,000 सैलरी, मतलब एक तेरे लाख बाप ने जब से बीस नौकरी ज्वाइन हजार की थी तब से थोड़ी इतनी सैलरी होगी, वो तो नहीं धीरे नहीं धीरे अभी करके बड़ी अभी होगी। हाँ अभी अभी की है, तब तो नहीं थी, तब तो कम थी। हाँ तो फिर तेरे बापू ने 1,80 लाख रुपये कैसे मतलब जमा कर लिए तुम दो हरामियों के लिए? बापू ने भी करे हैं, और हमारा मतलब होटल्स भी तो हैं, हमारी दो होटल हैं और एक पेट्रोल पंप है। अच्छा बापू ने मतलब प्रिंसिपल बने और दो होटल और ये पेट्रोल पंप भी ले नहीं नहीं लिया? दादा दादा का था ना बिजनेस, था दादा का, फिर वही चक्कर में। जब तेरे दादा इतने अमीर था तो तेरा बाप दो कौड़ी का प्रिंसिपल क्यों बना? बिजनेसमैन बनना चाहिए थे उसको। अरे उनको इंटरेस्ट था ना पढ़ाई में, तो उसके चक्कर में फिर अच्छा, साले पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई में इंटरेस्ट इसलिए था कि घर की हालत खस्ती थी तेरी, समझा? हमारे क्या, हमारे ऐसा सिस्टम है ना, सुनो ऐसा क्या है पता है, हमारे
हमारे ये कि अगर गवर्नमेंट हो तो फिर लड़की मिलती है, अगर नहीं हो तो फिर तुम चाहे कितना भी बिजनेस करो लड़कियां नहीं देते, ऐसा सिस्टम है।